वेलकम टू करियर मेकर कोचिंग सेंटर। आज हम स्टार्ट करेंगे सांख्यिकी योग्यता यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी का सातवां भाग। तो हमने जो है पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 100 तक कंप्लीट करा चुके थे, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, जो भी लोग हमारे चैनल पर जुड़ चुके हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जिनके पास व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है सारे में जो है इस वीडियो को शेयर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 101 क्या कह रहा है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 101 क्या है, 88044 यही है ना, डिवाइड यानी भागा 44 प्लस 17 × 23 इसका मान ज्ञात करना है। और 102 क्वेश्चन क्या है वो भी लिख देते हैं। ये 5√25 / 5 ये है 102 क्वेश्चन। तो चलिए इसको सॉल्व करें। काफी इजी क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करें आइए हम बताते हैं इसको। देखिए यहाँ पे कोई कटने वाला है क्या, आप जो है 88044 में अगर डिवाइड करेंगे 44 से तो कटेगा कि नहीं, तो कट जाएगा। और कितने मरतबे कटेगा काट के देख लो, ये 44 दूनी, और ये अगर दो तीनों उतार देते हैं 0 उतरेगा तो 1 0 एक 0 और 44 से कहीं 44 कट गया ना, डिवाइड है। फिर प्लस 17 और 23 में गुना कर दे, 17 में 23 गुना करने का तरीका आपको क्या बताया था, आप 27 लिखो, हासिल 2 लिखो, और ये 3 3 और 7 14 3 17 17 2 19 और 2 1 2 1 3 यानी कितना 391। अब इसको क्या करोगे, जोड़ोगे, कितना आएगा जोड़ने के बाद, आप इसको जोड़ दो, जोड़ने के बाद जो है 2392 आएगा ना, 2001 है ना, तो 2392 यही जो है इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही होगा, ऑप्शन में है क्या, है ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर होगा, ये ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 की, अब दो देखिए, ये 5 है और ये 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है, डिवाइड बाय 5 प्लस 5। अब ये कितना हो गया, ये अगर इसमें भाग करेंगे तो ये तो कट जाना है ना, तो ये ओनली 5 + 5 यानी कितना हो गया, 10 हो गया ना, तो यही 10 हमारा जो है राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है सही होगा। चलिए इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 क्या कह रहा है, देखिए 707 पे कितना 0 है, 000 डिवाइड है ना, 707/0 इसी का मान ज्ञात करना है ना, और इसके बाद वाट है, और माइनस कितना है, 46 है। और नेक्स्ट 104 क्या है, 2828 डिवाइडेड 14 प्लस 40 यही है ना,
चलिए एक और लिख देते हैं यहाँ पे 105। बत्तीस पॉइंट 32 एन 32 बारह कितना 16 प्लस 0.08 इसका मान ज्ञात करना है। अब नेक्स्ट 116 ये भी लिख देते हैं 116 41 डिवाइडेड बाय 202 प्लस 101 चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए अगर ये भागा है तो ये तो नीचे आएगा ना, और ये आप ऐसे इनडायरेक्ट कर दो, ये 0 0 से कट गया, और ये भी 707 ये भी 707 तो कितना 100 होगा ना 100, और बराबर यहाँ पे कुछ नहीं है तो x लिख दें और यहाँ 46 लिख दें। आपको x का मान निकालना है ना, तो 100 और ये 46 इधर आके प्लस 46 बराबर x, यानी x बराबर कितना आ गया 100 प्लस 46 कितना हो गया 146 है इसका राइट आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, तो 103 का ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104। तो देखिए ये भी डिवाइड है 14 दूनी, इसको आप कैसे लिखोगे, यही तो लिखोगे ना 2828 भागा है तो 14 नीचे ले जाओगे उसके बाद 14 लिखोगे, तो ये 14 दूनी 28 दो 28 नीचे उतरेगा तो यहाँ 0 लिखेंगे ना कट गया, यानी कितना हो गया 202 प्लस 14 कितना हो गया 216 होगा ना 216 जो इसका राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर 5 जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए इसको क्या करेंगे, ये तो डिवाइड है ना, तो 32.32/16 हो गया, अब इसको आप 0.08 ये कट जाएगा ना, 16 दूनी 32 2.02 से ये कट जाएगा, तो 2.02 प्लस 0.08 तो इसका राइट आंसर आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 8 और 2 10 और ये 1 और ये 2.10 यही आएगा ना 2.10 है क्या ऑप्शन में, तो है ऑप्शन नंबर 4 105 का जो है कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106। देखिए ये भी कटने वाला है, अब 41 डिवाइडेड बाय 202 प्लस 101 देखिए ये कटेगा क्या, कट जाएगा ना, आप इसको काट के देख सकते हो, तो ये 204 202 204 ये कट जाएगा, आप काट सकते हो यहाँ पे देखो 202 डिवाइड करोगे 41 दो करोगे तो ये इतना 404 हो जाएगा ना, ये 4 0 हो गया ना 01 और ये फिर 0, अब यहाँ पे नहीं लगेगा तो पॉइंट हटा दो, तो कितना 5 मरतबे नहीं है ना, उनके गांव के ऐसे फोन में नहीं था उनको बोला होगा, तो ये 5 दूनी 10 5 और ये 5 दूनी 10 जा लगा खा गया कट गया ना, कितना 2.5 से कट गया ना, यहाँ पे 4 कितना हो गया 2 दूनी 4
जीरो। अच्छा यहाँ पे एक उतरा है ना, नहीं लगा है ना तभी, तो यहाँ पे एक जीरो और होगा, यानी 20.5 होगा एक कटिया। अब आप इसको जोड़ दो, जोड़ोगे तो कितना आएगा, 20.5 प्लस 101, तो 121 हो जाएगा ना, 121.5। कोई मैच कर रहा है क्या ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर जो है एक इसका राइट आंसर होगा। तब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटाते हैं। तक हमने सॉल्यूशन कर लिया, अब 107 नंबर में है। 2688 डिवाइडेड बाय 28 प्लस 14 हो गया, और 108 क्या है, 102.01 डिवाइडेड बाय कुछ नहीं है, तो आप यहाँ पे एक्स लिख दो, बात का चिन्ह है ना बराबर में 10। क्यों लाने रहा हूँ, 106 डिवाइडेड बाय 12 × 40 110 नंबर 110 में 60 + 5 × 12 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में 180/3। चलिए सॉल्व करें इसको, देखिए इसको आप डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा ना, 2688 / 28 प्लस 14। अब इसको डिवाइड करो कितने मरतबे कटेगा, 28 में अगर 9 से करोगे तो कितना, 8 × 9 = 72 की 2 × 7 18 × 7 = 252 हो जाएगा ना, 268 में से 252 घटा कितना आ गया, 6 और ये 8। अब कितना आ जाएगा, 96 + 40 तो जोड़ोगे 6 × 4 = 10 × 9 = 10 = 11 कितना, 110 आ गया ना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर होगा। खाना कौन दे देती है, देखते हैं ये क्या है। अब इसको आप ऐसे लिख दो, बट्टा में एक्स लिख दो बराबर 10 लिख दो, कुछ नहीं है तो एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, उसके बाद क्या करोगे, एक्स आ जाएगा ना इधर और इधर, एक्स का मान अगर निकालना हो दोस्तों 1/10 यही ना, अभी कटेगा ये जो है कट जाएगा, कितने बट्टे पे कटेगा, तो ये कटेगा आपको 1.10.1 मतलब कटेगा, यही इसका राइट आंसर होगा।
अब डिवाइड कर लो इसको, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 क्या कह रहा है। देखिए ए डिवाइड करेंगे 2640 में, अगर 12 से तो 12 दूनी 24 से 2, यानी 12 दूनी 24 2 0 यानी 22, 222 0 हो गया, प्लस बरचो 48480 जोड़ेंगे तो 4 2 6 1 700 हो गया ना, 700 जो है इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन में है क्या 700? है ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट कह रहा है क्या, 60 लिख देंगे, 60 प्लस 5 गुने 12 डिवाइड, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो इसका क्या आएगा, 60 आएगा, 60 प्लस 5 गुने 12 और ये 60 नीचे आ जाएगा ना, तो 12 पन 60 काट दो और ये 5 कर दो, तो बच्चा क्या है यहाँ, कुछ नहीं बचा, यानी 60 कुछ नहीं बचा, तो एक तो है ना यहाँ पे, एक यानी 60 है, एक 61 जो है इसका राइट आंसर होगा। तो कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट 110 तक हो गया ना हमारा, 111 कह रहा है कि 29 70.4 बटा 6.32 बराबर दिया हुआ है 470, तो किसका मान ज्ञात करना है, 297.40 बटा 6.32 का मान क्या होगा? 112 74.26 प्लस 31.08 माइनस 840 गुना 30 113 का स्क्वायर माइनस 1.1 का स्क्वायर माइनस 0.11 होल स्क्वायर 114 है, 8√25 प्लस 9 115 140 रूट कुछ नहीं है तो एक्स लिख दो प्लस 315 बराबर 215। चलिए इसको सॉल्व करें, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसको हम क्या करते हैं, अरे प्यार कि अगर ये जो है 29 704 लिख देते और बट्टा में ये 632 लिख देते, अब इसका जो पॉइंट है ऊपर चला जाएगा ना, का पॉइंट क्या चला जाएगा ऊपर, यानी 100
सौ का 100 ऊपर चला जाएगा, और ये ऊपर वाला का जो है इसका पॉइंट नीचे 10 चला जाएगा, यानी कितना, तो 29,704 पर जीरो, यही ना, और 600 और इसी का मान दिया है 470, यही ना, पुट करने के बाद इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका भी आप कैसे करोगे, इसको भी सेम ही करो, 297,04,632 क्या करोगे इसको, 632 यहाँ 100 ऊपर चला जाएगा, और इसके लिए 1, 2, 3 यानी ये भी 100 नीचे आ जाएगा ना, 100 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ क्या करना है, आप इसको क्या करोगे, आपको यहाँ जीरो आप बैठा दे, यानी आप यहाँ से एक जीरो से जीरो काट दे, तो ये हो जाएगा ना दोस्तों, ये जीरो हो गया और नीचे 632, यानी यहाँ पे, और ये 1/10 रह गया ना, तो आप 1/10 अलग लिख दो, और इसका मान हमें दिया हुआ है कितना, 470, तो 470 बटा अगर 10 करोगे तो कितना आएगा, जीरो से जीरो कटेगा ना तो 47 आएगा, 47 आएगा ना, 47 है क्या ऑप्शन में, नहीं है तो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर 5 जो है राइट आंसर होगा। चलिए 112 क्या कह रहे हैं वो देखते हैं, पहले तो इसको हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो ब्रैकेट को 74 26 प्लस आप इसको घटाओगे कितना आ जाएगा, 840 घटाओगे तो कितना, 8 10 में 4 गया 6 11 3 11 यानी 2368 आ गया ना, फिर गुना, अब 74 26 अब गुना कर दो, 28 24 36 18 2 20 3 3 9 2 11 3 2 6 8 7 और ये जीरो यहाँ पे, अब इसको जोड़ देंगे, अब जोड़ दो इसको कितना आ जाएगा, यहाँ 74 26 जोड़ दो यहाँ, तो ये 6 4 2 6 4 7 1 8 7 कितना आ गया, 78,466। यहाँ पे देखिए 2200 कुछ होगा ना, 2268 होगा, हमने घटाने में गलती किया, अगर इसको गुना करेंगे तो ये नहीं तो मिस्टेक हो गया ना, 38 24 36 18 2 20 और 3 2 6 2 8 और 3 2 6 68 04 ना, और ये जीरो, अब जोड़ेंगे इसको ना, यहाँ पे जोड़ने में हमने गलत किया था, अब ये अब जोड़ दो 74 26 अब जोड़ो 6 4 2 6 4 8 7 15 75,466 है क्या ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, 11 का स्क्वायर मालूम होगा 121 होता है, ये भी 121 ही होगा, पर ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा ना, ये अब देखते हैं माइनस, अब ये घर घर है कैसा, ये भी अब देखिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4 होगा ना, 1 2 3 ये 0.0 ये हो जाएगा 0.012। अब इसको क्या करोगे, तो आप ये दोनों माइनस में तो जुट जाएगा ना, तो आप पहले 1.21 ये सामने सामने लिखोगे, और ये 0.0121 यहाँ पे 1 2 2 2 1 ये आ गया, अब कितना आ गया 121 माइनस इसको जोड़ दिए ना हमने, तो इतना आया 1.2221 अब घटा दो इसमें से, घटाओगे ना 121.00 लिख दो अगर कुछ नहीं है तो,
और 1.2221 का, तो यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ भी जीरो लिख दो। 10 में से गया 9, 9 में से दो गया 7, 9 में से दो गया 7, 7 और ये 0 0 में 10 में से गया 9, कितना 19 पॉइंट 119 119 119.7779 ये वाला जो है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन में आ रहा है क्या, ऑप्शन देखते हैं तो है ऑप्शन नंबर एक जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 क्या है, ये तो काफी इजी है। आप 8 और 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा प्लस 9, यानी कितना 40 प्लस 9 कितना 49, 49 है ऑप्शन में है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 4 जो इसका राइट आंसर होगा। अब इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करोगे। अब आप इसको 140 रूट एक्स लिखो बराबर 10 को 15 और ये इधर माइनस की इधर आने के बाद 315। अब 140 रूट एक्स अब बता दो, ये तो 5 में से 5 गया 0, 1 में से गया 0, 10 में से 3 गया 7, 700 आ गया ना। अब कटेगा देखो, ये कट गया 0 से 0 और ये 14 25 70 हो गया, यानी रूट एक्स बराबर हो गया 5। हमको एक्स का मान निकालना है ना, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो है क्या ऑप्शन में कोई सॉरी 5 नहीं है 25 होगा ना, ये तो रूट में था इसलिए एक्स निकाल, ये 25 हो जाएगा 25 होगा। तो कौन सा, तो ऑप्शन नंबर एक जो इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने 115 तक कंप्लीट कर चुके हैं, इसको मिटाते हैं। एक सौ सोलह तेरह का स्क्वायर माइनस कुछ नहीं है तो यहाँ वाटे चुने तो एक्स लिख दो बराबर 169 माइनस कितना है 13। अब 117 नंबर क्या है वो देखते हैं, रूट 121 प्लस कुछ नहीं है तो एक्स लिख दो वाट का चिन्ह है ना बराबर 1569 प्लस 74। अब 118 प्लस 0.02 ऑल स्क्वायर यही होगा ना, 0.02 का ऑल स्क्वायर और 119 0.09 0.09 का ऑल स्क्वायर है। इसके बाद प्लस 0.07 का ऑल स्क्वायर दरा चुका कैसे दरा है देखिए 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 माइनस एक्स
बराबर 169 माइनस 13। देखिए अगर ये 169 बराबर के इधर आ जाए तो माइनस में हो जाएगा ना, एक तो 169 ये है और ये इधर आ जाएगा तो 169 माइनस, और ये माइनस एक्स तो है ही और बराबर माइनस 13 है तो ये तो जीरो हो गया। और माइनस एक्स बराबर कितना हो गया, माइनस 13, माइनस माइनस काट दोगे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 13 होगा। है क्या कोई ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर कौन सा 5 जो इसका राइट आंसर होगा, यानी 5 यानी इनमें से कोई नहीं जो इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 5। चलिए यहाँ पे कैसे सोल्व करेंगे, आपको 121 का रूट क्या हो जाएगा, 11 ना, 11 प्लस एक्स बराबर, अब इसको जोड़ोगे ना डायरेक्ट ही जोड़ देते हैं ना, तो ये 9 4 हो जाएगा 13, 713 1 14, 5 1 6 16 143। एक्स बराबर क्या करोगे, 1643 माइनस 11 हो जाएगा, 3 में से गया 2, 4 में से गया 3, 1632 1632 यानी ये भी ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में नहीं है, 1632 ऑप्शन में नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 5 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 118। तो देखिए यहाँ पे आप इसको अगर सॉल्व करना हो तो 49 का क्या करोगे, ऐसे लिख दो 49 लिख दो और आप एक में कितना जीरो, 4 जीरो लिख दो प्लस, अब इसको स्क्वायर करोगे तो 2 2 4 हो जाएगा और ये कितना है 2 0 पॉइंट के बाद कितना है 2 स्थान है, यानी अब स्क्वायर हुआ तो 4 स्थान में हो जाएगा ना, 1 2 3 4 2 2 4 यानी पॉइंट के बाद 4 यही ना। अब ये देखिए इसका और रूट कितना 7 और इसका 4 0 है ना, तो 2 0 यानी 1 2 ये हो गया, यही होगा ना, हाँ प्लस 0.0004 जोड़ दो आप एक जगह लिख दो इसको आमने सामने, 0 लिख दो 0004 लिख दो, ये 4 हो जाएगा 0.704 यही होगा ना, 0.0704 कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे देखो आप इसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 81, अब ये पॉइंट के बाद कितना है 2 अंक है ना, तो यहाँ पे 4 होगा, यानी 2 तो ये हो गया, आप 2 अलग से आप लगा दो और पॉइंट यानी पॉइंट के बाद कितना अंक हो गया, 4 स्क्वायर करने के बाद, फिर उसके बाद इसका 49 हो जाएगा और ये भी 2 है तो ये 4 हो जाएगा, यानी 1 2 3 और 1 4 पॉइंट आप यहाँ लिख दो, अब जोड़ दो इसको कितना हो जाना चाहिए, अब ये 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, 8 4 9 10 अच्छा 12 1 13 1 0.0130 चौखा बना थी 119.0130 कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 3 जो इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए तो मिटा देते हैं, आलू रह गया, आलू मेरे पास समझी पड़ी ना, दुकान सब बंद हो गया, कल तारी दाल था सब्जी बना, 119 तक कंप्लीट हो गया ना, अब 120 से स्टार्ट करेंगे, तारी दाल हाँ कुछ हो ही जाए सूखी ना बना दा है। क्वेश्चन नंबर 120 में है रूट 4 प्लस 8 का स्क्वायर, पहला हो जाए
बराबर 10 × W का चीज है। और ये 122.8 ब्रैकेट में है ना, ब्रैकेट में डिवाइड है 0.06। अब 123 वाट है का स्क्वायर है बराबर 3100 कितना है 25। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो 4 का रूट कितना हो जाएगा 2 और ये 64 ये होगा ना 64 64 और 2 कितना हो जाएगा 66। चलो देखो 66 है क्या ऑप्शन में, है ना, तो ऑप्शन नंबर 4। चलो इसको आपने सॉल्व कर लिया होगा। ये देखिए ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे पुट हो रहा है, यही हो रहा है ना। तो क्या करते हो इसमें, ये फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही है ना। यहाँ पे ऐसे भी कर दो, चर्चा का कितना 1600 हो जाएगा ना, और ये 900 1600 में से 900 घटेगा तो कितना हो जाएगा 700। जैसे ही बना सको, जल्दी बनाना है तो आप कैसे ही बना सको। देखा तो ये तो डायरेक्ट हमको मालूम था स्क्वायर, इसलिए हमने जल्दी डायरेक्ट कर दिया, यानी 1600 में से 900 घट गया तो 700। अब 10 गुने कुछ नहीं यहाँ पे, तो x मान लो आप 0 से 0 कट गया तो x बराबर कितना हो गया 70। है क्या कोई ऑप्शन में, ऑप्शन में तो है ही 70। ऑप्शन नंबर कौन सा 3। अब चलिए 122 देखते हैं। अब देखिए इसको आपको घटाना है, तो घटाने के लिए हमने क्या बताया 4.8 और ये आप लिख दो 0.28। यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप 0 लिख दो, घटा रहे हो ना आप, तो 10 में 4 गया 2, 7 में 2 गया 5 और ये 4 और डिवाइड क्या है 0.06, यही है ना। अब देखिए दशमलव के बाद कितना 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, तो इसका कोई मायने ना रह गया दशमलव का, यानी 4452/6 कटेगा, काट दे इसको। कटेगा काट दे इसको कटेगा पानी लिया गया कि कटेगा 742 से कट जाएगा कि नहीं 742 ऑप्शन में है क्या 742 ऑप्शन देखो ऑप्शन में है क्या 142 है ना 742 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर कौन सा तो 3। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप एक्स स्क्वायर लिख सकते हो बराबर 3125। तो यहाँ पे x स्क्वायर बराबर 3135। अब x बराबर निकालना हो तो ये तो रूट में आ जाएगा और 3125 का वर्गमूल आपको पता होगा, आपको तो पता होगा ना कि कितना आएगा। तो 3125 का आप वर्गमूल निकालो कितना होगा, चलिए वर्गमूल यहीं पे निकाल देते हैं हम 3125। दो दो का जोड़ा लगाते हैं ना, पेयर लगाते हैं,
अब ये देखिए कितना होगा, आप इसको 25 लिख दो, कितना हो जाएगा 6, कट गया ना ये 5 5, कितना हो गया 10 गया हो गया, और ये दोनों उतर जाएंगे। अब आप कितना मरतबे लगाओगे, 6 मरतबे लगाओगे तो ज्यादा होगा, 636 हो गया, यानी 5 मरतबे लगाओ, इधर ही 5 5 9 25 दो 5 1 5 0 0 1, ये 5 5 10 1, अब पॉइंट लगाओ यहाँ पे पॉइंट या जीरो। अब आप कितना मरतबे लगाओगे यहाँ, कितना मरतबे लगाओगे, नौ मरतबे लगा के देखो, 9 81 9 81 8 9 9 बिना, और ये 9 9 18 1 1 1, कितना आ जाएगा, 10 में से गया 9, 9 में से हट गया 1, 9 में से 9 गया 0, तो ये 9 81 8 9 9, ये 10 में से गया 9 9, ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में नहीं आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 5 जो इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसको मिटाते हैं, मोबाइल मोबाइल बंद करो भाई, मोबाइल बंद करो यार, कुछ हुआ है, कुछ को दिया है, कुछ को दिया है, क्वेश्चन नंबर 130 तक 23 तक सॉल्यूशन हो गया है ना, क्वेश्चन नंबर 124 124 से 800 डिवाइड बाय 15 प्लस 3 1/3, यही है ना, 125 नंबर क्या है, यहाँ पे x लिख दो, फिर प्लस 7 बराबर रूट अंडर 576, तरबूज ना है, बताओ ना 126, ये हमारे डिपार्ट के रूट x लिख दो, प्लस 640 डिवाइड बाय 640 डिवाइड बाय 16 बराबर 7 × 10 − 13 = 13, 127 नंबर, प्लस इसके अंदर रूट 100। तो चलिए इसको सॉल्व करें, काफी इजी है।
ये तो कट जा रहा है ना, 800 डिवाइडेड बाय 15 प्लस कितना है 9 × 10/3 हो गया, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो डायरेक्ट यहाँ माइनस में आ जाएगा, 10/3 हो जाएगा, ये तो कट जा रहा है ना। देखो 3×5 = 15 काट दोगे और 16×5 = 80 काट दो, देखो कितना आ जाएगा 160/3 माइनस 10/3। देखो ये हर समान है तो 160 में से 10 गया, 150 × 3 कट गया, यानी 50 इसका राइट आंसर होगा। 50 है क्या ऑप्शन में? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 5 यानी 124 में 5 यानी ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं जो है इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 5 सर में नहीं दिया हुआ। चलिए तो ये देखिए रूट एक्स है प्लस 7 है, आपको रूट 576 का जो है स्क्वायर रूट पता है क्या? स्क्वायर करें, रूट पता है 576 का कितना होता है? 576 24 का क्या होता है? 24 का यही तो होता है 576। तो रूट एक्स बराबर कर दो इसका, तो मान 24 लिख दिया हमने और ये 7 इधर आके माइनस में आ गया, तो रूट एक्स बराबर 17। अब एक्स का मान निकालना है ना, तो स्क्वायर कर दोगे और स्क्वायर, तो ये एक्स और ये 17 का स्क्वायर कितना? 289। 289 होगा ना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 5 यानी अभी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, नंबर 5 जो इसका राइट आंसर होगा। चलिए ये देखते हैं, अभी अभी रूट एक्स लिख दो और ये तो कट जाना है, 64 यानी 40 बराबर, ये भी गुना हो जाएगा तो 70 माइनस 13 बराबर, अभी लिख दो 70 में से 13 घटेगा कितना है? 10 में से 3 गया 7, 6 में से 1 गया कितना हो गया? 5, और ये 40 बराबर की इधर आने के बाद माइनस में, और रूट एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा ना, 7 में से 17, तो इसका स्क्वायर कर दो, रूट का मान बताने के स्क्वायर करोगे तो एक्स बराबर 289, इसका भी मान जो है 289 ही आएगा। तो 125 का भी 289 आया था और 126 का भी 289, 18 रोटी चाहिए, सॉरी 125 में 289 ऑप्शन में दिया हुआ था, 125 नंबर क्वेश्चन में तड़का ना लगे, 289 दिया था यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, प्याज टमाटर सब काट देंगे उसी में, क्या ये इसमें नहीं दिया ऑप्शन में? तो यहाँ ऑप्शन नंबर 5 होगा क्योंकि 126 वाले क्वेश्चन में ऑप्शन जो है 289 नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 5 इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 127, फीचर नंबर 127। काम कर सकते हैं, देखिए आधा घंटा अपन काम नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये रूट आधा घंटा है, रूट में 100 का रूट कितना है होता है? 10 होता है ना, 10, तो ये 10 है और ये 6 है, तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा ना, और रूट यही होगा ना। अब देखो ये तो 16, अब 16 का वर्गमूल कितना होता है? 16 का रूट होता है 4, यहाँ पे कुछ नहीं है यानी गुना नहीं कर रहा है, तो 36, और 36 का कितना होता है? 36 का रूट कितना होता है? 36 का 6 होता है, ऑप्शन में है क्या 6? तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसको मिटा देते हैं,
पिक्चर नंबर 128 गांव नंबर पता नहीं बड़ा काटा गया था। पिक्चर नंबर 128 है 25 + 32 बोली का कितना रहेगा -8 + इसका कम वाला बता ना 21 बट्टा में √16 + √9 अरे ये कहां कम कर रहे हैं 129 किया के बराबर नहीं तो तो 500 हो जाएगी 27 0 साइंस ना निकला है 7 इधर कुछ नहीं तो रूट एक्स लिख दो बराबर 2 है एक छोरा और लागे दिए चलो इसको सॉल्व करो संतावन में से 8 घट जाएगा तो कितना 49 आ जाएगा और 49 में कितना 21 जोड़ दो 9 × 10 4 × 2 = 6 यानी 70 तो आप डायरेक्टली यहाँ 70 लिख दो और इसका कितना 4 हो जाएगा और इसका कितना 3 तो 70 / कितना 7 आ गया ना इसका आंसर 10 × 70 = 10 कितना इजी था। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 चलिए ये भी देख लेते हैं यहाँ पे आप क्या करोगे 27 0 7 बराबर में इसका पॉइंट आप हटाओगे तो 27 और नीचे से 100 अब क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर दो तो आप इसमें गुना करोगे तो 27 0 7 रूट एक्स हो जाएगा और बराबर में 27 0 7 100 ये तो कट जाना है ना तो रूट एक्स बराबर 100 पर आपको ये रूट है ना तो एक्स का हटाना पड़ेगा ना रूट तो स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा एक्स बराबर 1/4 0 ऑप्शन नंबर कौन सा तो ऑप्शन नंबर 4 चलिए क्वेश्चन नंबर 130 गुना करना है आपको 42 में 15 से गुना करने के लिए क्या बताए थे 15 × 2 आप 30 लिख दो सॉरी 5 × 2 = 10 लिख दो हासिल 1 और ये तिरछा तिरछी गुना कर दो 5 × 4 = 20 और 2 = 22 22 × 1 = 23 4 × 4 = 6 यानी 630 आ गया भाग 24 × 6 = 44 से 6 हो जाएगा इसमें भी गुना करोगे तो 17 × 13 से तो कैसे करोगे 21 हासिल 2 और ये तिरछा तिरछी 3 और 7 = 10
दस और दो बारह की दो कितना तो 221 माइनस ये गुना करोगे तो कितना आ जाएगा पंचम का 20 और पंचम का 20 दो 22 चार दो 6 पॉइंट है तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट यानी 221 में कितना घटाना है पॉइंट के बाद जीरो है तो इसका कोई मतलब नहीं है यानी 221 माइनस 62 आप घटाओ इसको कितना आएगा घटाने के बाद ये 11 में से दो गया 9 ये बचा 1 ग्यारह में 6 गया 5 और ये 159 है क्या ऑप्शन में 130 यहाँ पे देखिए ये तो ठीक है ना यहाँ तक हमने सही किया ना यहाँ तक सही किया हमने ऊपर वाला हमने बोल दिया 636 और ये 159 मतलब ये घटाने के बाद कटेगा देख लो काट के हाँ अब इसको काट के देख लो ये कटेगा चार मरतल कटना चाहिए नचों का 36 पंचों का 20 23 यानी चार मरतल कटेगा चार आ जाएगा आंसर अब चार देखिए ऑप्शन में है क्या तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर होगा अब ये देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे पुट हो रहा है तो ये आप क्या करोगे इसका फॉर्मूला यही होता है ना स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये होता है तो ऐसे ही 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा 20 गुने ए माइनस बी यानी 12 माइनस 8 कितना 4 ब्रैकेट में लिखो इसको गुने 10 और नीचे कितना है 40 जीरो से जीरो काट दो ये जगह बी चौका 80 बट्टा 4 है ना कौन सा तो 20 ऑप्शन नंबर कौन सा तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर है सोता है तो चलिए आज का सेशन जो है इतना ही पे समाप्त करते हैं अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।